गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब स्टूडेंट केमती अच्छा स्टूडेंट? तो ऑलरेडी तुम आम प्रीवियस वीडियो देखते हो। प्रीवियस वीडियो रे मु तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन रो क्वेश्चन उडा इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दी थी। आज हम कौन देखियो स्टूडेंट? एरिया अंडर कर्व हला। तो देखो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करिया अगर किसी कथा कहे चाहे स्टूडेंट, बहुत पिलांकर देखो स्टूडेंट एग्जाम एग्जाम प्रेशर रे बहुत सारा टेंशन होतबो। तो मुझे जानी स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर रे को टाइप रे टेंशन हुए कहीं आम भी दिने फील करूँ ये टाइप रे प्रेशर। तो देखो स्टूडेंट तुमको कौन तुम्हें एग्जाम पर एत टेंशन हुए नहीं, तुम्हें जैसे टाइम टेबुल तुमको दिया जो भी हिसाब से टाइम टेबुल तुमको कहा हो तुम्हें से हिसाब से खाली टाइम टेबुल फॉलो कर। आउ तुम जो टाइम लगे कि बहुत एक्स्ट्रा बर्डन होगा तो टिके टिके तुम निज निज पाठपढ़ गैप भी नौ है कहीं। देखो स्टूडेंट जब कंटिन्यूसली तुम पढ़ु तेज़े मुंड पूरा एत हो जाए तुम नेक्स्ट पाठ किसी मन भी रही है से कंटिन्यूसली 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा किसी दरकार नहीं कहीं 3-4 घंटा पढ़िया भी मो हिसाब से तो पॉसिबल नुहे से तुम्हें घंटे 2 घंटा पढ़ला परे 15-20 मिनिट एटलिस्ट ब्रेक नौ थो है। तो 15-20 मिनिट किसी भी गीत शुणीदेल कि बुल्क पलि आस 10 मिनट टी है तो ये टाइप टिके टिके गैप नौ था है। तो से टाइप गैप ना कौन तुम जो टाइप पढ़ा हम तुम क्वालिटी एजुकेशन हम कि तुम जितनी पाठ पढ़ो तुम कंप्लीटली भलसे मन रही बुझ पाला स्टूडेंट। तो से तुम पढ़ा मझे मझे टिके टिके छोटे छोटे गैप भी नौ था है। तो से मुझे जो टाइम टेबुल देखिए देखो स्टूडेंट मुझ तुम्हें गैप भी देच गोटे गोटे पढ़ा इंटरवाल भितर अधघंटा गैप भी देखें कि तुम मैं कौन सुविधा हो कि हाँ मोर आत लोड न रो बुझ पाला स्टूडेंट। आउ गोटे जिस मुझे तुमको सजेस्ट करी कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी समस्ते निहाती करो स्टूडेंट है कहीं बिना सेल्फ स्टडी रे रिजल्ट पाइबा पॉसिबल कदापि हो पार ना है। तो सेल्फ स्टडी निहाती करो स्टूडेंट है। तो चलो स्टूडेंट आज हम देखा एरिया अंडर कर्व विषय। तो देखो स्टूडेंट एरिया अंडर कर्व तुम बुक रे बहुत छोट टपिकटा है एत बड़ टपिक भी नुहे है बुझ पाला स्टूडेंट बहुत छोट टपिकटा। आ तुम ये एक्सरसाइज नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर कौन स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 10 है केवल गोटे ही एक्सरसाइज अच्छे। तो देखो स्टूडेंट बहुत लिमिटेड क्वेश्चन अच्छे आईटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर बुझ पाला स्टूडेंट या कदापि स्किप करके जीवन कहीं या भितर लंग क्वेश्चन आसवर चान्सेस बहुत ही अधिका बुझ पाला स्टूडेंट है। तो देखो स्टूडेंट ये कौन कहे प्रोब्लम नंबर 3। तो फास्ट अच्छे प्रोब्लम नंबर 2 सरी प्रोब्लम नंबर 3। तो मुझ फास्ट लंग क्वेश्चन कथा डिस्कसन करापर जाए सर्ट क्वेश्चन कथ है। तो प्रोब्लम नंबर 3 देखो स्टूडेंट प्रोब्लम नंबर 3 में सब क्वेश्चन तुमको कह कहि कहीं सब क्वेश्चन हूँ इंपोर्टेंट आउ मोस्ट ऑफ ऑल टाइम से सब क्वेश्चन आसूचे भी बुझ पाला स्टूडेंट। तो प्रोब्लम नंबर 3 को टोटाली छाड़बनी है। नेक्स्ट आस स्टूडेंट प्रोब्लम नंबर 4 है। तो प्रोब्लम नंबर 3 आ प्रोब्लम नंबर 4 बोथ दुटा को ही तुम कंप्लीट करके जीव है। प्रोब्लम नंबर 4 ये भी हूँ तुम कौन स्टूडेंट लंग क्वेश्चन बुझ पाला स्टूडेंट प्रोब्लम नंबर 4 है। तो बिट 1 बिट 3 बिट 4 ये हूँ तुम लंग क्वेश्चन है। प्रोब्लम नंबर 3 और प्रोब्लम नंबर 4 जितनी क्वेश्चन तुम कौन से करी आउ सर्ट क्वेश्चन तुम देख स्टूडेंट प्रोब्लम नंबर 3 आउ 4 यहाँ पूरा तुम लंग क्वेश्चन है। आउ खाली सर्ट क्वेश्चन कौन कौन आस स्टूडेंट सर्ट क्वेश्चन में बिट 2 बिट 3 बिट 4 एति खाली कर बुझ पाला स्टूडेंट ये खाली तुम कर सर्ट क्वेश्चन है। तो बुझ पाला स्टूडेंट तो प्रोब्लम नंबर 3 आ प्रोब्लम नंबर 4 तुम कौन है लंग क्वेश्चन। तो प्रोब्लम नंबर 3 रो तुमको कहबी सब क्वेश्चन करके जाओ आ प्रोब्लम नंबर 4 रो बिट 1 बिट 3 बिट 4 बस एति है या भितर गोटे लंग क्वेश्चन आसवर चान्सेस बहुत ही अधिका अच्छे है। तो ये है तुम लंग क्वेश्चन एवं सर्ट क्वेश्चन तुम्हारे सर्ट क्वेश्चन मीन 2 मार्क्स कि 3 मार्क्स तुम्हें प्रोब्लम नंबर 1 रो बिट 1 सर बिट 2 बिट 3 बिट 4 टा देखी देखिए आ प्रोब्लम नंबर 2 रो बिट 1 बिट 3 बिट 4 बस एति है। तो ये गला तुम एरिया अंडर कर्व। तो देखो ओनली गोटे एक्सरसाइज अच्छे कौटा तुम एक्सरसाइज नंबर 10। तो गोटे एक्सरसाइज कि बहुत इंपोर्टेंट है कहीं क्वेश्चन आसवर चान्सेस कौन रोज स्टूडेंट बहुत अधिकार रोचे बुझ पाला। तो से एक्सरसाइजा टोटाल छाड़बनी आउ तुमको तो अलरेडी मुझे सिलेक्टिव कर देती तुम्हें से सिलेक्टिव ही तुमको करार अच्छे है सब क्वेश्चन तो करार ना बस सिलेक्टिव क्वेश्चन रू सिलेक्शन क्वेश्चन रू ही तुमको सब सल्व करार अच्छे बुझ पाला स्टूडेंट। तो ताल देखो तुम मैथमेटिक्स तुम अलमोस्ट कंप्लीट हो गला तुम डेरिवेटिव कंप्लीट होगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व अलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया 3D कंप्लीट हो गया वेक्टर कंप्लीट हो गया आउ तुम कौन रहा स्टूडेंट 3D वेक्टर तो अलमोस्ट सब कंप्लीट डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स सब कंप्लीट कर सारे है। तो तुम काम एवं एति कि तुम सब जितनी क्वेश्चन तुमको दिखाई सारा तुम सबको 1 by 1 सल्व कर बुझ पाला स्टूडेंट। तो मुझे ट्राए करी बहुत जल्दी तरह सब आंसर PDF देवाई कि देखो स्टूडेंट सब क्वेश्चन रे मतलब पुणी MCQ सीरीज भी स्टार्ट करार अच्छी बुझ पाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रे MCQ सीरीज ताहित यदि मुझे सब करी तो टाइम हवा पॉसिबल हेनी से तुम्हें सब आंसर करो जो जो आंसर तुम द्वारा न हो तो मत तुम कह सही सब सिलेक्टिव आंसर तुमको करदेवी करके आंसर वीडियो बनईदेवि बुझ पाला स्टूडेंट। तो से तुमको समस्त रिक्वेस्ट करी स्टूडेंट जितकी तुमको सिलेक्टिव क्वेश्चन दे हूँ प्लीज 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 सब क्वेश्चन करा भी स्किप करनी कहीं तुमको पूरा मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन देती आ तुम ता भर जब पुणी सिलेक्ट कराया चाहिए
ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ସେହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି କରିକି ଯିବ ହେଲା ତ ଦେଖିବ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ ହେଲା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ତୁମର ଯେତିକି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଇଦେବ ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ତୁମେ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲା ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆମେ ଫ୍ରିର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଫର୍ଦର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଆମେ ଅଲୱେଜ୍ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ବାସ୍ ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ ଆଉ ତୁମର ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ କରିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ତୁମଠୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ସେତିକି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କର ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିକୁ ନା ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ନାଁ ଯେମିତି ସିବିଏସ୍ସି ଆଉ ଆଇସିଏସ୍ସି ଭଳିଆ ଗ୍ରେଡ଼ିଂରେ ଆସୁ ବାସ୍ ସେତିକି ମୋତେ ଦରକାର ହେଲା ତ ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ